छत्तीसगढ़ के बालोद जिला पर ग्राम पंचायत पैरी के सरपंच ने गांव में स्वावलंबन की नई कहानी लिख दी। उन्होंने नवाचार से युवाओं को कंप्यूटर में दक्ष बनाकर आत्मनिर्भर बनाने की सीख दी। महिलाओं को सिलाई में प्रशिक्षित कर 17 सिलाई मशीनों के साथ कारखाना खोलकर खुशहाली का उपहार दिया। युवाओं की नई सोच के सरोकार से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत संचालित स्वयं सहायता समूह की महिलाएं भी लाभान्वित हो रही हैं। बालोद से दुर्ग मार्ग के किनारे जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर बसा पैरी आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है, बल्कि आसपास क्षेत्र में मिसाल कायम किया है। विकास के मामले में अनेक आयाम लिखे हैं। खुशहाली लाने के लिए ग्राम पंचायत को मिले पुरस्कार के रूप में 6 लाख का 1.5 लाख को इस काम में लगा दिया गया है। कई युवक युवती आत्मनिर्भर बन चुके हैं। वर्तमान में भी कई विद्यार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। नारी सशक्तिकरण के लिए दिया निःशुल्क प्रशिक्षण है। पहली बात यह है कि मेरे को रोजगार मिला है और हमारे ग्राम पंचायत में इतना अच्छा मतलब प्रशिक्षण चलाया जा रहा है जिनसे बच्चों को हमारे गांव में इतना अच्छा मतलब कंप्यूटर और सिलाई का प्रशिक्षण मिल रहा है ना। इससे ये हो रहा है कि बच्चों को ना बाहर जाना नहीं पड़ रहा है। कढ़ाई सिलाई से हमारे ग्राम पंचायत की लेडीजों को अपना आत्मनिर्भर बनाएंगे और वो सिलाई कढ़ाई से अपना काम भी खोल सकते हैं। घर में सिलाई कढ़ाई करेंगे और दूसरों को भी सिखाएंगे। ये वर्ष 2020-21 में हमें हमारे ग्राम पंचायत पैरी को दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय पुरस्कार में चयनित हुए थे, जिसमें हमें 8 लाख पुरस्कार से प्राप्त हुआ, जिसे हम बजट के माध्यम से इसमें कंप्यूटर और सिलाई प्रशिक्षण के लिए हमने 1,60,000 रुपए इसमें लिए।